रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे महायुद्ध में फंसे बोकारो जिला के चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत तेलो पूर्वी पंचायत के डॉक्टर शंकर महतो के पुत्र पंकज कुमार महतो शुक्रवार को सकुशल अपने घर लौट आए। बेटे के सामने देख माँ का आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था, वही पत्नी भी काफी भावुक थी। पंकज कुमार महतो ने कहा कि हम वर्ष 2019 में MBBS की पढ़ाई करने विनीतासा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन गया हुआ था और मेरा फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई चल रही थी। उन्होंने बताया कि जब हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुंचे तो वहां भारतीय छात्रों की भीड़ लगी थी। भीड़ को हटाने के लिए यूक्रेन सैनिकों ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी किया, जिस कारण सभी लोग काफी दहशत में जी रहे थे। पंकज कुमार के पिता डॉक्टर शंकर महतो ने कहा कि हम सभी घर वाले यहां के हालात को टीवी में देखकर काफी चिंतित थे, लेकिन भारत सरकार की अटल पहल के पश्चात मेरा बेटा सकुशल वापस आया है। इस कारण मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही कहा कि सभी बच्चे वहां से जल्द आ जाएं, यही मैं भगवान से कामना करता हूं। यूक्रेन कब गए थे पढ़ाई करने के लिए? अभी जो माहौल है, आपका पढ़ाई अधूरा छूट गया, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं इस विषय में? सरकार से ही मांग करते हैं कि अभी तो वहां के हालात सुधरने के हमें आस लग रहे हैं कि अगर सुधर जाएंगे तो हम वापस नहीं पढ़ने जाएंगे, क्योंकि क्योंकि अभी हम सारे फोर्थ ईयर में हूँ अभी, तो अभी छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है मेरा। 2 साल बाद मेरा MBBS की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो या तो हम वहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र लेंगे दूसरे कंट्री में, अगर हालात सुधार नहीं हुए तो हम भारत सरकार से ये करते हैं कि हमारे जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो भारत सरकार देखे। चलिए ठीक, आज आपका बेटा सही सलामत लौटा है, आप सबसे पहले श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं तो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार में अभी जो मान मोदी जी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा उनका कार्य रहा यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए, और हमारे बच्चे सही सलामत हमारे घर पहुँच गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लोग आप क्या मतलब यूक्रेन पर काफ़ी चिंतित थे हम लोग, लेकिन एक विश्वास थी अपनी सरकार पे कि कुछ ना कुछ तो करेंगे हैं। तो आपके लड़के से बाय नेट बात होती थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।